नमस्कार साथियों, आईसीएल मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, संस्थान के सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग द्वारा विगत कुछ वर्षों में नए जीवाणुओं की खोज की गई है, जो कि बीजोपचार में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जो कि इस खरीफ मौसम की अंतिम साप्ताहिक सलाह है। इसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि कृषक भाइयों को अपने खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की बोनी के समय पे बीज उपचार का बहुत ही महत्व होता है, और बीज उपचार करते समय में हम सबसे पहले बीज उपचार करते हैं अनुशंसित फफूंद नाशकों से, और उसके साथ साथ हमने अनुशंसा की है कि राइजोबियम और पीएसबी कल्चर इन दोनों से भी करना चाहिए। लेकिन मैं इस विशेष वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग है, उसमें जो हाल ही में अनुसंधान जो किए गए, उसमें उन्होंने कई सारे नई जीवाणुओं की खोज की है। और ये जो जीवाणु है, जो जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, वो पौधे तक पहुंचाने में बहुत ही सहायता करते हैं। तो इस बारे में हम आज के वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे हमारे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे हम निवेदन करते कि हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं कि आपने जो नए जीवाणुओं की खोज की है, उसके बारे में बताएं और उसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, ये जो प्रयोग देख रहे हैं सोयाबीन का, इस ये वैरायटी JS 2069 है। इसमें हमने ये जो कुछ जीवाणु हमने निकाले हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमने क्या जो आमतौर पर आप लोग जो कल्चर यूज करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, सोयाबीन के लिए खास है ब्रेडी राइजोबियम, ऐसे दूसरे दलहन फसलों के लिए अलग अलग होता है, तो इसके लिए ब्रेडी राइजोबियम है। तो हमने राइजोबियम के साथ साथ दूसरे जो तत्व को लिए, जैसे फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया वो, और उसके साथ जो जिंक सोलबलाइजिंग, ये जिंक का बड़ा महत्व है आजकल, क्योंकि जिंक हमारे लिए ही नहीं, पौधों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक बीमारियां भी इसमें कम लगती हैं, अगर जिंक अगर पौधे में अगर अधिक रहता है तो अच्छे से पौधा ग्रो कर पाता है। तो हमने इसमें हमारी प्रयोगशाला में हमने ये किया कि जो ब्रेडी राइजोबियम जापानिकम है, जो आमतौर पर कल्चर अवेलेबल है, उसके साथ हमने नए नोवल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया निकाला, जो जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेडी राइजोबियम डेक्वेंजेंस। ये जो नोवल राइजोबिया है ये, और जिंक सोलराइजिंग बैक्टीरिया जो बैसिलस आरे भट्टाई, और एक फॉस्फेट सोलराइजिंग बैक्टीरिया, इन तीनों को हमने एक साथ समायोग किया है एक ही पैकेट में, ताकि हम लोग इसको बीज उपचार करें और उसमें सोयाबीन में तीनों तत्व, आपका फॉस्फरस और जिंक और नाइट्रोजन, की उसमें आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर पौधे की वृद्धि हो सके। और नाइट्रोजन जैसे हम लोग अप्लाई सीड ट्रीटमेंट करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग इसमें देखते हैं, जब नोडुलेशन होता है, जब गांठ बनती है, तो उसके अंदर जब उसको प्रेस करते हैं तो चिपचिपा पिंक कलर का निकलता है, तो ये समझ लीजिए आपका इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो रहा है और पौधे की ग्रोथ अच्छी आगे होने वाली है। तो वो आमतौर पर जो जब ये आपके फूल आते हैं तब होता है, तब गांठ बनना शुरू होती है। तो इस ट्रायल में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सिंगल अकेला राइजोबियम, अकेला कोई भी कल्चर यूज करने के साथ साथ उसके साथ दूसरे ऐसा कल्चर यूज करें जिसके अंदर 3-4 तरह के माइक्रोब एक ही पैकेट में हो, और इसको अवेलेबल कराने के लिए हम लोग इसका प्रयासरत हैं, ताकि आप लोगों को आगे सीजन में मिल पाए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक साथ ये तीनों पोषक तत्व अवेलेबल हो पाएंगे। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई को ये सब जो कंसोर्शिया जिसकी आप बात करें, वो कहाँ से उपलब्ध होगा, उसके बारे में जरा बताइए। ये कंसोर्शिया उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में हमें ICR, जो हमारा परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, हेडक्वार्टर से एक हमें एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मिला है सोयाबीन इंस्टीट्यूट को। उस सेंटर के अंदर हम लोग जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप जो की है, उसका हम लोग इसमें प्रोडक्शन करेंगे माइक्रोब्स का, और हम चाह रहे हैं कि एक 25 ml का एक शैम्पू पाउच जो आता है, उस पाउच के अंदर इस तरह के ये माइक्रोब एक ही पैकेट पाउच में उपलब्ध हो पाएँ, और हम उसको जल्दी ही इसको कमर्शलाइज करेंगे, ताकि वो किसानों को मार्केट के द्वारा मिल पाएँ। ये हमारा इसमें आखिर वो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा एक ईजाद की है तरीका। अभी तक हम फफूंद नाशकों के साथ में जो करते थे उसको भी करना है, लेकिन उसके साथ में कंसोर्शिया, तीनों का एक साथ आप बीज उपचार के समय, बोने के समय पे कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही
ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते हुए पुनः एक बार आपके पास में वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वर्ष के जून माह से आप सभी भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के साथ लगातार जुड़े रहे। इस दौरान हमने सोयाबीन की फसल की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो अनुशंसित शस्य क्रियाएँ हैं, सूखा, कीट एवं रोग प्रबंधन के विभिन्न उपाय के ऊपर चर्चा की, अनुशंसा की। मैं आप सभी किसान भाइयों एवं दर्शकों का भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी साप्ताहिक सलाह को सुना, प्रशंसा की और उनको अपनाया भी। किसान भाइयों, इस वर्ष की फसल का मौसम अब अपनी समाप्ति की ओर है और इस समय सोयाबीन की फसल कटाई गहाई करने की स्थिति में है। आज हम इस वर्ष की अंतिम साप्ताहिक सलाह के रूप में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि बताया गया है, मानसून अपनी समाप्ति पर है और विगत दिनों से जो बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमारे किसान भाई अपनी फसल की कटाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जबकि बारिश रुक गई है, आपको सलाह है कि अपनी फसल की शीघ्र कटाई करें। किसान भाइयों, अब ये जानना आवश्यक है कि कटाई का समय कैसे निर्धारित करें। आप दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फलियों के दाने भरने के बाद जैसे ही फलियों में उनके रंग में बदलाव प्रारंभ हो, रंग बदलना शुरू हो जाए, अपनी सुविधा अनुसार फसल की कटाई करें, क्योंकि यही एक सही इंडिकेशन होता है कि कटाई करने की सही स्थिति क्या है और इससे क्या फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान से भी हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ किसान पत्तियों के झड़ने का इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि कुछ विशेष स्थितियों में फलियों का रंग बदलना तो शुरू हो जाता है लेकिन पत्तियाँ हरी ही रहती है, इसलिए आप फलियों के रंग में होने वाले बदलाव को ही कटाई का सही संकेत माने। अब उसके बाद में सोयाबीन की कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के लिए खेत में ही 2-3 दिन छोड़ दें और उसके बाद में उसको इकट्ठा करें, ढेर लगाएं और उसके बाद में गहाई के लिए व्यवस्था करें। यदि तुरंत गहाई करना संभव नहीं हो तो कटी हुई या सुखाई गई फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर ले और उसका ढेर लगाए और तारपोलिन से उसको ढक कर रख दे, जिससे कि जो चटकने से होने वाले नुकसान को हम बचा जा सके। किसान भाइयों, जो किसान भाई अगले साल के लिए इसी साल की जो सोयाबीन उत्पादन हुआ है उसको बीज के रूप में रखना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आम थ्रेशर पे जब हम सोयाबीन की थ्रेशिंग करते हैं तो उससे बीज को चोट पहुंचती है, वो उगने शक्ति उसकी कम हो जाती है। आपको यह ध्यान रखना है कि बीज के लिए जो उपयोगी सोयाबीन की आप थ्रेशिंग करते हैं तो उसको 350 से 400 RPM पर करें, जिससे कि बीज की जो गुणवत्ता है या अंकुरण क्षमता है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो किसान भाइयों, ये थी इस साल की सोयाबीन फसल पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी इस वर्ष की साप्ताहिक सलाह। लेकिन आपसे हम लगातार मिलते रहेंगे क्योंकि हम आपके लिए शीघ्र ही लेकर आ रहे हैं एक नया कार्यक्रम सोया संवाद, जिसमें हम विभिन्न विषयों पर आपके प्रश्नों, शंकाओं और जिज्ञासाओं की लेकर चर्चा करेंगे हमारे सोयाबीन वैज्ञानिकों से। साथ ही हम ऐसे कुछ प्रगतिशील किसानों से मिलेंगे एवं उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से सोयाबीन की खेती करते और अच्छा उत्पादन ले रहे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।